टेमला गांव में 200-300 वर्ष पूर्व पूर्वज रहने आए थे, तब से इसी गांव के निवासी होकर रह गए। वर्षों पुराना मकान है, अब खंडहर हो चुका है, जिसकी छत धाराशाही हो चुकी है। अब मकान में सिर्फ क्षतिग्रस्त दीवारें ही खड़ी हैं, जो कभी भी गिर सकती हैं, जिसके डर से माँ और मैं 3 सालों से तालाब के किनारे स्थित मंदिर के पास एक पेड़ के नीचे तंबू में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जो हमारी मजबूरी है। माँ की उम्र 90 से अधिक है, जो आंखों से अंधी है, शरीर से विकलांग हो चुकी हैं, एक साड़ी ओढ़कर पेड़ के नीचे ठंडी में भूखी प्यासी दुबक कर बैठी रहती हैं। नींद आने पर वहीं सो जाती हैं या फिर उठाकर रात को तंबू में सुलाता हूँ। ऊपर से जंगली जानवर या जहरीले जानवरों का भय रोजाना बना रहता है, कहीं कोई जानवर काट ना ले या कोई नुकसान न पहुंचा दे। गांव के हमारी मदद कर देते हैं। मैं पूरी तरह टूट चुका हूं, मैं सिर्फ अपनी माँ के लिए जी रहा हूं। मुझे जन्म देने वाली माँ ने अपने पेट काट कर मुझे पाला है, तो उस मरने के लिए कैसे छोड़ सकता हूं। ये बात ठीकरी से 15 किलोमीटर दूर के स्थित ग्राम बरुफाटा के पास टेमला के एक फलिया जेतापुरा के रहने वाले अशोक कुमार तिवारी ने कही। अशोक कुमार तिवारी 57 वर्ष ने बताया कि पिताजी चौकीदार का काम बरुफाटक में किया करते थे। बीमारी के इलाज के लिए 5 एकड़ जमीन को गिरवी रख दिया एवं 9 वर्ष पूर्व उनका निधन हो गया। शुरू से ही गरीब हालत रहे, गांव में भिक्षा मानकर जीवन यापन किया करते थे, किंतु अब शरीर ने भी जवाब दे दिया है। कुछ दिन पूर्व माँ की तबीयत खराब होने के कारण इलाज के लिए खले को गिरवी रखकर कुछ पैसे से इलाज कराया। अब पैसा नहीं है तो इलाज भी कैसे होगा, अगर कोई जनप्रतिनिधि भी मदद को आगे नहीं आया। बारिश में अधिक होती है परेशानी। बारिश के मौसम में तालाब में पानी भरने एवं अधिक बारिश होने से मंदिर का आश्रय लेना पड़ता है। बुजुर्ग माँ को उठाकर मंदिर में आश्रित करना पड़ता है, कीचड़ और पानी में रहना मजबूरी बन जाती है। ग्लोबल टीवी के लिए बड़वानी से सुरेंद्र वर्मा की खास रिपोर्ट। अशोक कुमार तिवारी, पिता शारदा प्रसाद, माँ इंद्रावती, यहाँ 4 साल से तंबू में रह रहे हैं। सरकारी योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिल रहा है, न पेंशन मिल रही है, न कुछ मिल रहा है। बड़ी दयनीय स्थिति में आखिरी छोर पर खड़े हुए हैं हम। स्थिति ऐसी दयनीय है कि कोई वो नहीं है सर, परेशान है, सारी समस्याओं से परेशान है। माँ अंधी हो गई, लंगड़ी हो गई, दिखता भी नहीं। अब इसके लिए कार्ड बनवाओ, अपंग का प्रमाण पत्र, ये आधार कार्ड बनवाओ, तो ये कहाँ से मैं कहाँ कैसे करूँ सर। सरकार कहीं नहीं कर रही है, सरकार तो सब सर का देख रही है, समाज भी देख रहा है, गांव भी देख रहा है, देश भी देख रहा है, सब देख रहे हैं, पर कहीं नहीं सर। सारी योजनाओं का लाभ कोई कुछ भी नहीं मिल रहा है सर। तंबू में कब से रह रहे हो? यहाँ सर 60-70 साल से रह रहे हैं। तंबू में 5-6-4-5 साल से रह रहे हैं सर तंबू में। अच्छा, तंबू से यहाँ से मंदिर में जाना, तंबू में आना, ये बड़ी दयनीय स्थिति। माँ को पेंशन मिल रही है? नहीं, कहीं नहीं सर, माँ को भी नहीं और मेरे को भी नहीं। कागजात, अब कागजात कहाँ से लाएं सर? खाने को तो वो नहीं है सर, मंग मंग के खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, कोई दे जाता है, कोई ये करता है, ऐसा जैसे तैसे दिन कट रहे हैं सर। ये हम पैदावार ही नहीं होता नहीं यहाँ रहवासी। ये माँ की उम्र कितनी है? ये तो अभी सब अंदाज थी, 100 वर्ष हुई तो और इनको कोई सरकार का योजना का लाभ मिल रहा है? कहीं नहीं मिल नहीं रहा। पेंशन वगैरह कुछ नहीं मिल रहा इनको? नहीं मिलता। अच्छा, ये इनका जो मकान है ये कब से बना, कब का है दादा यहाँ पे? ये भी पुराना। ये कभी बड़ा दिन गई, मतलब जय का इलाज का पल्ला की बनाया है कि इनका दूसरा। अच्छा, ये टूट गया है मकान, वो उन्हीं का है? हाँ, उनका इनका जाए। अच्छा, ये झोपड़े में कब से रह रहे हैं? ये 2-1 साल हो गया, 2-3 साल, 4-5 साल हो गया, 4-5 साल हो गया। अच्छा, ये माँ बीमार है तो इनकी कोई इलाज की दवाई वगैरह कहीं नहीं हो तो? कहीं गांव लोग कह रहे थे ले जाए बेचारो मरा की वो। हाँ, वो को कोई दीदे तो ले जाए, नहीं तो पड़े दीदे बोले वो क्या पड़ रहे का है, कौन खौड़ा वार है। अबे चूल्हा नहीं बलता यार, तुम यहाँ देख ले, वो है इनका यहाँ काम। चौका मौका रात दिन खाई ले यार, कहीं 2-3 कहीं टाइम नहीं गया और तू क्या जाए।